हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या ने 30 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। हर दिन कोरोना ने नए केस केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के कोरोना ग्राफ पर नजर दौड़ाएं तो हर दिन कोरोना के नए केस 70,000 के करीब पहुँच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए केस सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की जान गई है। नए केस सामने आने के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या 30,44,940 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 7,07,668 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 56,706 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात ये है कि अब तक 22,80,566 लोग रिकवर हो चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 23.43% उपचाराधीन मामले हैं। मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़ने और अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दिए जाने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 74.69% पहुँच गयी है। इससे मृत्यु दर भी घटी है और 1.87% हो गयी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 14,492 नए केस आए। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 14,492 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले हैं और दो दिन पहले भी इतनी ही संख्या में नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज सामने आए मामलों के साथ ही राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 6,71,942 हो गयी है। कोरोना महामारी से 297 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 21,995 हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के 1,412 नए मामले, 14 की मौत। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस के 1,412 नए मामले सामने आए, जो अगस्त महीने में किसी एक दिन का सर्वोच्च स्तर है। इन नए मामलों के साथ ही क्रमित लोगों की कुल संख्या 1.60 लाख से अधिक हो गई। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 4,284 हो गई। पिछले 24 घंटों में 14 और मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,345 रैपिड एंटीजन परीक्षण किए गए और 6,090 RT-PCR व अन्य परीक्षण किए गए। कोरोना से लड़ने के लिए बचकर 4 में से एक शख्स में डेवलप हो गई एंटीबॉडी। रिसर्च कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले 2.70 लाख के पार। कर्नाटक में शनिवार को कोविड-19 के 7,330 नए मामले सामने आए तथा 93 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमण के मामले 2.70 से अधिक हो चुके हैं तथा मृतक संख्या 4,615 पर पहुँच गयी है। बेंगलुरु शहरी जिले में संक्रमण के 2,979 नए मामले सामने आए तथा 28 लोगों की मौत हुई। राज्य में संक्रमण के कुल 2,71,876 मामले हैं। इनमें से 1,84,568 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। नई मुसीबत, घर जा चुके कोरोना मरीजों में सांस लेने से लेकर स्ट्रोक तक की आ रही दिक्कत। गुजरात में कोरोना वायरस के 1,212 नए मामले, 14 की मौतें। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 1,212 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 85,678 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 14 संक्रमितों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 2,883 पर पहुंच गई। विभाग ने बताया कि एक दिन में 980 मरीजों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई तथा स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 68,257 पर पहुंच गई। यहां ठीक होने वाले लोगों की दर 80% हो गई है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।